नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। कृष्ण छोटे से श्लोक के अंदर एक अच्छा जीवन आप किस तरीके से बिता सकते हैं, एक क्वालिटी लाइफ की यहाँ पर आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है अपने मन के चंगुल से बाहर निकलना। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि मन बनाया गया था इसलिए कि ताकि वो आपकी सुने, लेकिन इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जिनको मन चला रहा है। आपका मन एक छोटे से बच्चे की तरह है जो बहुत ही ज़िद्दी है, जो हर छोटी छोटी बात पर रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, शोरगुल मचाने लगता है। बच्चे को तो आप फिर भी थोड़ी देर के लिए धमका सकते हैं, वो शांत हो जाता है, आंखों ही आंखों में आप उसे डरा सकते हैं, लेकिन इस मन के साथ तो वो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे अगर आपने आंख दिखाई तो ये और ज़्यादा अशांत हो जाएगा, ये और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगेगा, और ज़्यादा रोने धोने लगेगा। तो कृष्ण यहाँ पर अब अपना बात रखते हैं, अपना सूत्र कहते हैं कि कोई निष्ठावान व्यक्ति कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसकी जीवन में श्रद्धा है, जो जीवन के सामने नतमस्तक है, जो अपनी नहीं चलाता, जो जीवन का दास है, ऐसे इंसान को कृष्ण कहते हैं निष्ठावान व्यक्ति। बुद्ध जिसे कहते हैं बोधपूर्ण व्यक्ति, बोधपूर्ण व्यक्ति को ही कृष्ण कहते हैं निष्ठावान व्यक्ति। तो जो निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है, कर्मेंद्रियों की हमने बात की थी, कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? आपके हाथ, आपकी जिह्वा यानी आपकी वाणी, आपके पैर। ऐसा ना हो कि आपकी नाक कोई सुगंध ले ले, खाने की सुगंध हो सकती है या किसी पदार्थ की सुगंध हो सकती है, और आपके पैर उसी की तरफ खींचे चले जाएं। अगर आपकी नाक कोई स्पेशल तरह की गंध ले रही है, तो कोई ख़ास तरह की गंध ले रही है, तो आप इसे देखिए कि गंध आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सम्मोहित होकर, मैस्मराइज होकर उसके पीछे पीछे चले ही जाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कृष्ण कहते हैं कि जब गंध आए तो आप देखिए कि आपके अंदर हो क्या रहा है, कहीं आप बेहोश होकर उस गंध की तरफ भागे तो नहीं चले जा रहे हैं। वो गंध परफ्यूम की भी हो सकती है, वो सुगंध परफ्यूम की भी हो सकती है, वो खाने की भी हो सकती है, वो किसी और चीज़ की भी हो सकती है। तो अगर आपने अपनी मनपसंद कोई पसंदीदा चीज़ की आपको स्मेल आई, सुगंध आई, और आपके पैर अचानक रेस्टोरेंट की तरफ या खाने के ठेले की तरफ चल पड़े, तो आप बस एक रोबोट की तरह एक्ट कर रहे हैं जो कि एक इनपुट पर रेस्पॉन्ड कर रहा है। रेस्पॉन्स भी नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा सही वर्ड होगा रिएक्ट कर रहा है। रेस्पॉन्स तो सोच समझ कर दिया जाता है, एक चीज़ होती है रिएक्ट करना, एक चीज़ होती है रेस्पॉन्स करना। रिएक्शन होता है ऑटोमेटिक कि आपको स्मेल आई और आप बिना सोचे समझे उस तरफ मुड़ गए और चल पड़े, लेकिन रेस्पॉन्स होता है सोचने समझने के बाद। आपको स्मेल आई, आपने देखा कि आपको
खाने की इच्छा है या नहीं है, आपको भूख लगी है या फिर नहीं लगी है, ऐसा तो नहीं है कि आप अननेसेसरी खाए चले जा रहे हैं, बस आपको बस एक फूड एडिक्शन हो गया है। तो जो आदमी इतना होश बनाए रख सकता है कि ये देख पाए कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ऐसे इंसान को कृष्ण कहते हैं निष्ठावान व्यक्ति। तो कोई निष्ठावान व्यक्ति जो अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है, मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है, वो ज़बरदस्ती अपने कर्मेंद्रियों को काबू करने की कोशिश नहीं करता, ज़बरदस्ती अपने शरीर को काबू करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मन का सीधा प्रभाव पड़ता है आपकी कर्मेंद्रियों के ऊपर, यानी आपकी आपके चलने पर, आपके बोलने पर, आपकी वाणी पर, आपके हाथों पर। आपके हाथ किस तरफ उठे जा रहे हैं ये बताता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो मन जुड़ा हुआ है एक तरीके से, मन का जो कंट्रोल है वो आपकी कर्मेंद्रियों का जो कंट्रोल है वो मन के हाथ में है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, या जो उतनी प्रखर बुद्धि वाले नहीं होते वो क्या करते हैं, वो बाहर से कंट्रोल लगाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे इंसान को कृष्ण कहते हैं मिथ्याचारी, क्योंकि इस आदमी के मन में तो कुछ और चल रहा होता है लेकिन ये बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो आदमी निष्ठावान है, निष्ठा से भरा हुआ है, जिसकी जीवन के प्रति निष्ठा है, वो क्या करेगा, वो मन को सुधारने की कोशिश करेगा। मन अगर सुधर गया वो अपने मन के ऊपर काम करता है। अगर मन ठीक हो गया तो कर्मेंद्रियां तो अपने आप ठीक हो ही जाएंगी, क्योंकि कर्मेंद्रियां हैं आउटपुट, और आउटपुट डिपेंड करता है कि अंदर क्या चल रहा है। कर्मेंद्रियां फल की तरह हैं, अगर पेड़ सही मिट्टी में लगाया है, उसका सही पोषण किया गया है, तो फल तो अपने आप ही रसीला आएगा ही। लेकिन आपने पेड़ को सही मिट्टी में नहीं लगाया, उसकी सही देखभाल नहीं की, उसे सही खाद नहीं डाली है, सही पानी नहीं दिया, सही समय पर पानी नहीं दिया, उसे सही रोशनी नहीं मिल रही है, और फिर आप उम्मीद करें कि आपके पेड़ पर रसीले फल लगें, तो ये आपकी मूर्खता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि निष्ठावान व्यक्ति सीधा जाकर कर्मेंद्रियों से नहीं उलझता, क्योंकि उलझना मूर्खता है, मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है, यानी वो अपने मन के ऊपर काम करता है, अपने मन को वश में करता है। अगर मन वश में आ गया, मन ठीक हो गया, तो कर्मेंद्रियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। और बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी आसक्ति के मतलब है बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के, किसी बिना किसी बायस के कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये काम मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगा, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूँगा। वो बायस को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करता है, जितना हो सके अनबायस्ड होकर काम करता है। तो जब कोई आदमी अनबायस्ड होकर काम करेगा तो जो करना ज़रूरी है वो उसे करेगा, जो करना ज़रूरी नहीं है उसे वो त्याग देगा। उसे दिख जाएगा बेसिकली कि क्या करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है। और ऐसे आदमी को कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आदमी ज़्यादा उत्कृष्ट व्यक्ति है, ज़्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति है, ज़्यादा विवेकशील व्यक्ति है। ऐसे आदमी का विवेक जागा हुआ है और वो उसका विवेक निरंतर जागता ही रहेगा, क्योंकि वो निरंतर अपने मन के ऊपर काम कर रहा है, निरंतर अपने मन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोगों के क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप इस डिस्कशन का पार्ट बढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें, जब भी हम वीडियो अपलोड करें, आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। सो
इसी के साथ मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।